हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर 5 पढ़ाऊंगी, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें इंट्रोडक्शन में एक्टिविटी हमारी 1 to 10 है, और फिर हम सब टॉपिक्स हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ये सब प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। चलते हैं, अपना चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें बताते हैं, इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम कुछ भी मिक्सचर लेते हैं, कोई भी हमारा, सपोज़ ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये कैटल लिए हुए हैं और उसमें चाय है, चाय को इससे, ये जो हमारा ये है, स्ट्रेनर कहलाता है, इससे हम इसको छान रहे हैं। यहाँ से हमें चाय की पत्ती छन जाती है, या टी लीव्स हमारी यहाँ पे फ़िल्टर हो जाती हैं, फ़िल्टर होके जो हमारा फिल्ट्रेट होता है यानी कि चाय होती है, वो नीचे कप में चली जाती है। तो यहाँ पे पूरे इसमें चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि कैसे हम सब्सटेंसेस को डिफरेंट को सेपरेट करते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे हम सेपरेट कर रहे हैं टी लीव्स को स्ट्रेनर के थ्रू, और जैसे हम कोई भी मिल्क या कर्ड लेते हैं उसको हम चर्न करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं उससे बटर को, ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जिसमें हम बटर को, मिल्क से बटर को अलग करते हैं, वो चर्निंग प्रोसेस कहलाती है, चर्निंग प्रोसेस कहलाती है। और इसके थ्रू हम बटर या पनीर या बहुत से प्रोसेस हैं उनके थ्रू हम ये करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग और भी एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो उसमें चिलीज़ आ जाते हैं, तो चिलीज़ को हम सेपरेट कर देते हैं, तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, सेपरेशन हुआ सब्सटेंस का। तो और एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मैंगो है और गोवा है, और हमें मैंगो अलग करने, सेपरेट करने हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे बास्केट में मैंगो को अलग कर देते हैं, जिससे मैंगो और गोवा सब आपस में अलग हो जाते हैं और उनको हम इस तरह से सेपरेट कर लेते हैं। तो ये एक्टिविटी 1 यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ कॉलम हम बनाते हैं, कॉलम और टेबल्स बनाते हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने इस तरह के सेपरेशन प्रोसेस लिख दी और यहाँ पे पर्पसेस लिख दिए, और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और इन्होंने यहाँ पे इसको जम्बल्ड कर दिया है, मतलब ये मैच नहीं है, तो इसको हमें आपस में मैचिंग करनी है। तो पढ़ते हैं और फिर हम इसे करते हैं। साइंस में जो भी है चैप्टर, वो सब पूरा एक्टिविटी बेस्ड है। इसमें खुद से नहीं पढ़ना है कि थ्योरी हम पढ़ते जा रहे हैं और हम आपको कॉन्सेप्ट देते चले जाएँ। इसमें एक्टिविटी के थ्रू हमें समझना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, या कौन सी प्रोसेस है, हैंड पिकिंग है, विनोइंग है, थ्रेशिंग है, ये क्या होती है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी 1। उसमें यहाँ पे ये कह रहे हैं सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। ठीक है, तो यहाँ पे किससे मैच करें इसको, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, इससे इसको मैच करना चाहिए। ठीक है, अभी ये दो मैच करते हैं फिर इसे करेंगे। यहाँ पर चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, तो यहाँ पे बता रहे हैं टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। ठीक है, ये अलग हो रहा है लेकिन यहाँ पे यूज़फुल कंपोनेंट अलग हो रहे हैं आपस में। क्या करते हैं, मिल्क में हम लोग वो डाल देते हैं, मिल्क होता है, मिल्क को हम चर्निंग प्रोसेस के थ्रू उसमें से बटर अलग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि जो मिल्क होता है उसे भी हम फेंक देते हैं। तो ये हमारे दो कंपोनेंट हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, लेकिन हम उसको सेपरेट करते हैं, तो ये इससे मैच करेगा। फिर यहाँ पे थर्ड है सेपरेट टी लीव्स, तो यहाँ पे हो जाएगा टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट। यहाँ पे जो टी लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, यूज़फुल नहीं होती हमारे लिए, हम उनको सेपरेट कर देते हैं स्ट्रेनर के थ्रू, और फिर ये सब हमारी जो टी होती है वो अलग हो जाती है। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे मैच कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, हम सॉलिड कंपोनेंट को फेंक देते हैं। यहाँ पे आ रहा है वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, फिर है वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, तो बोथ कंपोनेंट में ये वाला हो जाएगा जिसमें चर्निंग मिल टू ऑप्टेन ये वाला था, ये इससे मैच करेगा। फिर है यहाँ पे वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, ऑब्वियसली हम लोग स्टोन वाले जो है ना राइस, उसमें स्टोन से उनको इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देंगे। फिर है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, तो इसमें टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ये हमारा टी, इम्प्योरिटी की अगर बात करें तो इम्प्योरिटी सॉलिड कंपोनेंट में स्टोन आ जाएगा, है ना, ये स्टोन वाला जो है ये इससे मैच करना चाहिए क्योंकि वो सॉलिड होता है, और इम्प्योरिटी में यहाँ पे इन्होंने टी लीव्स को ले लिया कि ये इम्प्योरिटी एज ए इम्प्योरिटी है, तो इसको उन्होंने सेपरेट कर लिया है। ठीक है,
तो ये इस तरह से ये एक्टिविटी वन हमारी कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं कि हमारे जो सेपरेशंस हैं वो उसके मेथड्स क्या होते हैं, किस किस मेथड्स के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हर चीज़ है वो एक तरह से ऐसा नहीं है कि हम हैंड पिकिंग जैसे ये प्रोसेस दिखा रहे हैं हैंड पिकिंग, तो हमने इसको ले लिया और इसको हम सारी चीज़ों को हैंड पिकिंग के थ्रू ही हम उसको सेपरेट कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक्टिविटी टू कर रहे हैं, उससे हम जानेंगे कि हैंड पिकिंग होता क्या है। एक्चुअल में सिंपल हैंड पिकिंग ये जैसे मम्मी लोग घर में दाल चावल चुनती हैं, उसमें बहुत सारे स्टोन्स या जो भी इम्प्योरिटी डर्ट होता है उसको वो हटाती हैं, तो वो हैंड पिकिंग सिंपल सी चावल चुनना या दाल चुनना जो ये प्रोसेस होती है उसको हैंड पिकिंग कहते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट स्टोन ठीक है एंड हस्क फ्रॉम वीट। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बहुत सिंपल प्रोसेस होती है, इसको हाथ से चुनना कहते हैं कि ये चुना जाता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की जिसको ये नाम मेथड की जिसका नाम है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग बहुत ही सिंपल है। थ्रेशिंग यहाँ पे ये थ्रेशिंग हो रही है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं हम इसको पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स ठीक है। जब हार्वेस्ट हो जाती है हमारी क्रॉप तो हम देखते हैं बहुत सारे बंडल्स होते हैं किसके स्टॉक्स के, चाहे वो हमारा पैडी हो चाहे वो हमारा वीट हो, तो वो जो स्टॉक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं रख दिए जाते हैं तो वो सूखने लगते हैं, सन में सूख जाते हैं और सूखने के बाद फिर उनको स्प्रेड किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं ईच स्टॉक हैज़ मेनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट, इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन द हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन्स सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स ठीक है। इसको ये कह रहे हैं कैसे अलग करते होंगे, तो ये क्या करते हैं भाई, वो कुछ चीज़ें हैं उनको अलग करना आसान होता है, जैसे कि मैंगो है गुआवा है उनको हमने ट्री से अलग कर लिया, लेकिन इसको अलग करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए प्रोसेस यूज़ की जाती है थ्रेशिंग। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन उनको पीटा जाता है टू फ्री द ग्रेन सीड्स, उनको ऐसे पकड़ के स्टॉक्स से उसको ज़मीन में पटका जाता है, जिससे क्या होता है कि वो ग्रेन्स हमारे अलग हो जाते हैं और जो स्टॉक्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम थ्रेशिंग कहते हैं। अब ये ब्लॉक्स की हेल्प से भी किया जाता है और मशीन्स की हेल्प से भी किया जाता है, क्योंकि एक इंसान इतने सारे उसको कैसे ग्रेन्स को अलग करेगा, तो इसलिए मशीन्स का यूज़ करके उसको बढ़ाया जाता है उसका प्रोडक्शन। तब हम नई हेडिंग को देखेंगे, हमने क्या पढ़ा, हमने अभी दो हेडिंग पढ़ी, एक पढ़ी हमने मेथड्स पढ़े जिसमें है हैंड पिकिंग, दूसरा हमने पढ़ा थ्रेशिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं विनोइंग। विनोइंग हम एक्टिविटी थ्री के थ्रू समझेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक लेडी यहाँ पर है और इन्होंने ये सूप ले रखा है ठीक है, और ये जो डायरेक्शन और एयर का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है ना। अब ये यहाँ से इसको हिलाती जा रही है, उससे क्या हो रहा है यहाँ से जो हस्क है या जो भी हल्की इम्प्योरिटी होती है लाइटर जिसका वेट होता है ना वो अलग हो जाता है, जो ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पे गिरते हैं। तो ये इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स, कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर, लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली, आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर, वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड, इन्होंने लिया एक ओपन ग्राउंड, एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म्स, पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट और पेपर, होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। अब ये इस पर खड़ी हो गई बहुत ऊँचा करके, टिल्ट इट स्लाइटली, उसको हल्का सा झुकाया, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, तो ये ऐसे करके यहाँ पे स्लैंड किया इन्होंने ठीक है, तो ये ऐसे करके मिक्सचर हमारा नीचे गिरेगा। व्हाट हैपेंस, डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेसेस, इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। भाई यहाँ पे जो लाइटर चीज़ होगी वो हवा की वजह से इधर गिर जाएगी, जो भारी होगी वेट में वो यहाँ पे गिर जाएगी। तो इस तरह की प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। यहाँ पे हमने थ्रेशिंग पढ़ी थी, अभी विनोइंग, और इससे पहले हमने हैंड पिकिंग पढ़ी ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स और ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग।
विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स. उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा. फिर जो हस्क होता है ये जो हमारे कैटल्स होते हैं उनके खाने के लिए यूज़ कर फॉडर की तरह यूज़ हो जाता है उसके लिए. तो हमने पढ़ा हैंड पिकिंग, चावल चुनना, दाल चुनना. उसके बाद हमने पढ़ा विनोइंग, जो विंड के थ्रू होता है, डब्ल्यू से विनोइंग और डब्ल्यू से विंड, जिसमें विंड का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है. हाथ ऊपर करके उसको हिलाया जाता है, लाइटर अलग हो जाता है मिक्सचर में. लाइटर जो पोर्शन होता है वो अलग हो जाता है, जो हैवी पोर्शन होता है वो अलग हो जाता है. ठीक है. और हमने एक और पढ़ा था विनोइंग से पहले. हमने क्या पढ़ा था? थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में वही हमें करना है, स्टॉक्स को पकड़ना है, पकड़ के पटकना है. पटकने से क्या होगा, ग्रेन्स अलग हो जाएंगे और स्टॉक्स हमारे अलग हो जाएंगे. अब हम यहाँ पे चलते हैं सीविंग की तरफ. सीविंग बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि मम्मी घर में आटा छानती है. सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में जाए, वरना बच्चों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है. ठीक है. तो इसमें सिंपल सी बात है कि मम्मी लोग घर में आटा को छानती हैं. छानती इसलिए कि इसमें कुछ ना पड़ गया हो, कुछ कंकड़ पत्थर ना पड़ गए हों या कोई भी ऐसा मटेरियल ना हो, तो उसे छान लेती हैं, जिससे क्या होता है आटा नीचे गिर जाता है और जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अलग हो जाती हैं. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सीविंग कहते हैं. एक्टिविटी 4 देख लेते हैं. ब्रिंग द सीव एंड अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ अ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लासेस. सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी इन इट. नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर. कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चॉक बाई सीविंग. सीविंग इज़ यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज. यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि हम अपने जो फ्लोर होता है उसे क्लास में ले जाएं और फिर उसमें क्या करें, चॉक को पीसें और पीस के मिला दें, तो वो ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना कि हमारा फ्लोर होता है साइज़ में. तो उनको मिक्स कर देने के बाद क्या हम सीविंग प्रोसेस का यूज़ कर पाएंगे? नहीं, हम सीविंग प्रोसेस का यूज़ नहीं कर पाएंगे. सीविंग प्रोसेस का यूज़ हम जब कर पाएंगे जब हमारे जो दो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर में वो डिफरेंट साइज़ के हों. इससे क्या होगा, ऊपर हमारा जो अलग मिक्सचर है, मिक्सचर में जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह है वो ऊपर आ जाएगी और जो हमारा फ्लोर है वो नीचे चला जाएगा. तो सीविंग में हम वो यूज़ कर सकते हैं जिसमें साइज़ का डिफरेंस हो. ठीक है. लेकिन अगर साइज़ सेम होगा तो हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते. इसीलिए हर प्रोसेस हर चीज़ के लिए नहीं है, अलग अलग मिक्सचर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है. ठीक है. उसके बाद हम बढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. ठीक है, इसे डिटेल में पढ़ते हैं. अभी तक आपको जितने भी मेथड पढ़ा है वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे. एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं. हमने पढ़ा हैंड पिकिंग, फिर हमने पढ़ी थ्रेशिंग, फिर हमने पढ़ी विनोइंग और फिर हमने पढ़ा सीविंग. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. इनमें डिफरेंस क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. सम टाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग. फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉयल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. भाई हम चावल पकाने जा रहे हैं, दाल पकाने जा रहे हैं, उसमें से हमने हैंड पिकिंग कर ली है प्रोसेस, उससे स्टोन्स हटा लिए हैं, लेकिन अब भी क्या वो साफ़ है? क्या हम उसे ऐसे खा सकते हैं, डायरेक्ट पका ऐसे डाल के अपना बना सकते हैं? नहीं, अभी हमें उसको धोना होगा. ठीक है, उससे जो भी उसमें गंदगी लगी है, उसमें डस्ट है, डर्ट है, वो सब हटानी होगी. ठीक है, तो इसको देखते हैं आगे. राइस और पल्सेज आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. वेन यू एड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड. दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर. नाउ वॉट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल? राइस और डस्ट. वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इन द टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर. When the heavier components in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. इसको ध्यान से फिर से देखते हैं. यहाँ पे इन्होंने बताया when the heavier components in a mixture settles after water. ठीक है, water के बाद वो settle हो जाता है, is added to it. Water add करते हैं तो वो नीचे settle हो जाता है. The process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called डिकेंटेशन. ठीक है, अगर हमें उसमें डस्ट है और हमने उसको धोया, वो नीचे सेटल हो गया, वो उसके साथ निकल गया, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिकेंटेशन कहेंगे.
लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. इसको हम चेक करते हैं. द सैम्पल प्रिंसिपल इज यूज फॉर द सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. जैसे ऑयल एंड वाटर कभी आपस में मिक्स नहीं होते हैं. फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटली सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. तो हम इसको अलग कर सकते हैं कैसे. इफ़ अ मिक्सचर ऑफ अ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर. अगर हम पानी और उसको बहुत मिक्स करके हिला के मिक्सर में डाल के उसको हिला दें, उसके बाद उनको हम अलग करके रखें, थोड़ी देर के लिए रख दें, तो वो सेपरेट लेयर्स बना लेंगे. द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. तो उसको हम क्या करेंगे कि ऊपर जैसे तेल आ जाएगा, ऑयल जो होता है वो ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे, तो ऑयल को हम धीरे धीरे निकाल देंगे और वाटर को वहीं रखे रहने देंगे नीचे. तो उससे दो लेयर होने की वजह से वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं. तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं. बहुत आसानी से इसको समझना होगा. सपोज़ हमने वाटर लिया, वाटर में हमने क्या डाली, राइस डाला धोने के लिए. क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी को हिलाते हैं और पानी निकाल देते हैं और अपने आप जो चावल होता है, राइस होते हैं, राइस ग्रेन्स, वो नीचे रहते हैं. तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं. बहुत आसानी से, ठीक है. अब आगे पर देखते हैं क्या कह रहे हैं. लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है, यहाँ पे अब इन्होंने क्या लिया, मिक्सचर लिया जिसमें एक सॉलिड और एक लिक्विड. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट यू डू टू रिमूव द टी लीव्स. यूजली वी यूज़ स्ट्रेनर. हम लोग छन्ने का यूज़ करते हैं, है ना, टू रिमूव द टी लीव्स. ट्राई डिकेंटेशन. अगर हम यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेनर नहीं है, छन्ना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, चाय को रखते हैं बना के, उसके बाद उसको थोड़ी देर सेटल होने देते हैं, टी लीव्स नीचे बैठ जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उसको कप्स में उंडेल देते हैं, ठीक है. तो ट्राई, तो ये जो उंडेलना हुआ विदाउट स्ट्रेनर, ये कहलाता है डिकेंटेशन. ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी. हमारी टी में कुछ पत्तियाँ भी चली जाती हैं. नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर. अगर हम स्ट्रेनर से डालेंगे तो वो ईजिली आ जाएगी और कोई भी पत्ती नहीं आएगी, लेकिन वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, फिल्ट्रेशन कहलाएगी, ठीक है. चाय जो हमारी स्ट्रेनर के थ्रू हम फिल्टर करते हैं, उसको छानते हैं, तो उसको कहेंगे फिल्ट्रेशन. लेकिन अगर हम उसको विदाउट स्ट्रेनर, विदाउट छन्ना, ठीक है, बिना छन्ने के अगर हम यूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहेंगे डिकेंटेशन. आप लोग इसको समझिए कि प्रोसेस एक्चुअल में क्या है, इनको थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है. फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, जब हम उसको स्ट्रेनर का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डिकेंटेशन कहलाती है. और सेडिमेंटेशन क्या होती है, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड. उसमें वाटर डालने के बाद जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है. हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि कौन सा मेथड अच्छा होगा, हम जब चाय को फ़िल्टर करते हैं तो फिल्ट्रेशन अच्छा रहेगा या डिकेंटेशन. भाई मेरे अकॉर्डिंग तो फिल्ट्रेशन ही बेस्ट है, लेकिन ये आप बताएंगे कि आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगता है और आप किससे बेटर या प्रेफर करेंगे, बेटर समझेंगे और प्रेफर करेंगे, ठीक है. आगे चलते हैं. लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज़. डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक. समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू द टैप्स मे बी मडी. द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर मे ऑल्सो बी मडी स्पेशली आफ्टर रेन. लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर. ठीक है, मतलब हम इसके लिए बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. हमने पानी क्या किया, बारिश का हमने उसको ले लिया किसी कंटेनर में, उसके बाद उसमें ऑब्वियसली डर्ट आएगी, उसमें गंदगी होगी, इम्प्योरिटी होगी, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर रखा रहने देंगे, वो सेटल हो जाएगी नीचे, फिर हम ऊपर से अपना पानी को धीरे धीरे डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर लेंगे. ठीक है, अब हम देखें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं. हम अब पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी 5. ओके, इसमें क्या होता है, कलेक्ट सम मडी वाटर. हमें मडी वाटर को इकट्ठा करना है फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर. इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल इन वाटर इन अ ग्लास. ठीक है, अगर हमें नहीं मिलता है तो हमें क्या कर देना है, एक ग्लास ले लेना है, उसमें सॉइल डाल देनी है. लेट इट स्टैंड फॉर अ हाफ एन आवर. उसको आधे घंटे के लिए रख देना है. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्वेशन को नोट करना है. दस सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर. वाई, क्यों सॉइल जो होती है नीचे सेटल कर जाती है. वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे. नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इन द अनदर ग्लास.
What will you call this process? Obviously हम इसे क्या कहेंगे? Decantation कहेंगे. Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. जो ज़्यादा गंदा दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे? फ़िल्टर कर लेंगे. फ़िल्टर के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर लैब में है तो फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं, या हम कोई भी कॉटन क्लोथ से उसको फ़िल्टर कर सकते हैं. ठीक है, तो कहाँ पर थे हम? लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लासेस. व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? डिकेंटेशन कहेंगे. और अगर हम कोई फ़िल्टर का यूज़ कर रहे हैं, फ़िल्टर पेपर लगा रहे हैं, तो उसे फ़िल्ट्रेशन कहेंगे. Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through the piece of cloth. ठीक है, in piece of cloth small holes of pores remain in between the woven threads. हम जानते हैं कि जो हमारा हम फैब्रिक फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि कैसे वो कपड़ा बनता है ना, क्या होता है, फाइबर्स होते हैं आपस में, तो वो आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं और इनके बीच में महीन महीन से पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स के थ्रू वो फिल्टर होता है. इम्प्योरिटी ऊपर रह जाती है और फिल्ट्रेट नीचे चला जाता है. दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज एज ए फिल्टर. फिल्टर की तरह उसे यूज़ कर लिया जाता है. इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स. ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं. देखिए, फिल्टर पेपर को लिया, उसे फोल्ड किया, फोल्ड करके ऐसे फनल में डाला, उसके बाद उसको यूज़ कर लिया. अब ये सब क्या कहलाएगा? फिल्टर पेपर का यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन कहलाएगा. जब हम किसी चीज़ को, ये स्ट्रेनर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पे हम कपड़ा भी ले सकते हैं, तो ये क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हुआ. देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, ये फिल्टर पेपर ही की बात कर रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेज आर यूजली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स. हाँ, क्या करते हैं जब हम लेमन जूस वगैरह बनाते हैं या कोई भी जूस ले लेते हैं, फ्रूट जूस, तो उसको क्या कर लेते हैं? फ़िल्टर कर लेते हैं ताकि हमारे मुँह में सीड्स ना आए. ठीक है, तो ये सब क्या है? फिल्ट्रेशन के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, जिसमें हम स्ट्रेनर का यूज़ कर रहे हैं वो फिल्ट्रेशन है, अदरवाइज वो फिल्ट्रेशन नहीं है. ठीक है, डिकेंटेशन है वो. आगे ये और एग्जांपल दे रहे हैं, चलते हैं हम लोग आगे. यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल यही दिया है कि हम पनीर कैसे बनाते हैं, तो क्या प्रोसेस है. तो यहाँ बता रहे हैं द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़. ठीक है, पनीर जिसे हम कहेंगे, इन आवर होम्स यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स. हम क्या करते हैं, जब मिल्क बॉयल होता है उसमें हम कुछ ड्रॉप्स लेमन की डाल देते हैं. उससे क्या होता है कि मिक्सचर जो होता है हमारा सेपरेट हो जाता है उसमें. द गिव्स अ मिक्सचर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड. द पनीर इज देन सेपरेटेड बाई फिल्टरिंग. उसको फिल्टर कर लेते हैं और द मिक्सचर थ्रू द फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर के थ्रू मिक्सचर को अलग कर लेते हैं. ऊपर पनीर आ जाता है, नीचे जो भी फिल्ट्रेट होता है वो आ जाता है. ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से हमने समझ लिया मेथड्स में, हैंड पिकिंग को समझा, थ्रेशिंग को समझा, विनोइंग को समझा, सीविंग को समझा. फिर हमने तीन मेथड्स देखे, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, और सेडिमेंटेशन तो अपने में सेपरेट है ये मेथड. तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इवेपोरेशन. ये बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है. हम यहाँ पर विदाउट एक्टिविटी को पढ़े अपना एवोपरेशन को समझ लेते हैं. ठीक है, सिंपल सा ये दिख रहा है हमारा ट्राईपॉड स्टैंड. यहाँ पे ये बर्नर है, ये हमारा बीकर है. हमने इसमें पानी को लिया, वाटर डाला और उसे फ्लेम ऑन किया. जैसे फ्लेम ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो स्टीम होगी वो निकलने लगेगी. तो ये जो स्टीम निकलती है ना, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये वाटर से स्टीम में जो चेंज होता है हमारा गैशियस, यानी कि जो स्टेट के चेंज आते हैं, ये लिक्विड स्टेट से हमारी गैशियस स्टेट में चेंज होता है वाटर, इसको कहते हैं इवेपोरेशन. ठीक है, सिंपल एक्टिविटी, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से. आगे बढ़ते हैं. इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. यहाँ पे इन्होंने दो मिक्सचर कौन से, अभी ये तो मैंने आपको सिंपल बताया कि इवेपोरेशन क्या होता है, लेकिन इन्होंने मिक्सचर में क्या किया था, वाटर के साथ साथ सॉल्ट डाल दिया था. तो इससे क्या हो जाता है कि वाटर धीरे धीरे यहाँ पे इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट होता है वो नीचे यहाँ पे बच जाता है. तो इस तरह से वाटर और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन यूज़ करते हैं. ये बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, जैसे कि जो सी होता है ना, तो वहाँ पर उसके आसपास क्या बना दिए जाते हैं, पिट्स बना दिए जाते हैं बहुत सारे. उससे क्या हो जाता है, शैलो पिट्स जो बनाते हैं उससे ये होता है कि लहरें आती हैं और पानी उसमें भर जाता है और फिर सनलाइट की प्रेजेंस में वो
क्या होता है, धीरे धीरे इवेपोरेट करता है और जो सॉल्ट होता है वो नीचे पिट्स में रह जाता है, जिससे हम सॉल्ट और वाटर को अलग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हुई जो हमने यूज़ की, वो है इवेपोरेशन। इसमें हीट का यूज़ होता है, यहाँ पे बर्नर हीट दे रहा है, वहाँ पे सनलाइट यूज़ होती है। तो ये पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है। एक बार देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। वन ऑफ दीज सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। वेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाई सन लाइट एंड स्लोली टर्न्स इन टू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट बाई द फर्दर प्यूरिफिकेशन। फिर उस सॉल्ट को जो पिट्स में होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और उनको प्यूरीफाई कर लिया जाता है। ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, इवेपोरेशन भी पढ़ लिया। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या एक मेथड ही सब पे काम नहीं बनेगा, सब मतलब हर चीज़ को हम सेपरेट कर सकते हैं। नहीं, हमें पहले भी पता है कि बहुत से मेथड हैं और हर चीज़ के लिए अपने अलग अलग मेथड होते हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है, एक चीज़ को हम कई मेथड्स के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं। हाँ, एक्टिविटी 7 देखते हैं कि ये क्या कहने जा रहे हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है, ले लिया सैंड और सॉल्ट ले लिया। हाउ विल वी सेपरेट दीज? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। हैंड पिकिंग से हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर, बीकर में डालेंगे। एड सम वाटर, उसमें वाटर डालेंगे। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? वट डिज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन्स? डू यू थिंक द वाटर कंटेन्स द सॉल्ट? ठीक है, डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा और जो हमारी सैंड है वो नीचे सेटल कर जाएगी। डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम उसको टेढ़ा करके बीकर से निकाल लेंगे सॉल्यूशन को, जिससे नीचे तो हमारी सैंड रह जाएगी और जो वाटर निकलेगा उसमें साथ में क्या जाएगा, सॉल्ट। और फिर इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्ट और वाटर को भी अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दो मेथड अप्लाई किए। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंट लिक्विड। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू केटल एंड क्लोज इट्स लिड। हीट द केटल फॉर सम टाइम। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल? टेक अ, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन द इट होल्ड। ऊपर क्या रखेंगे, आइस रख देंगे। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर। वट डू यू ऑब्जर्व? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये निकल रहा है, यहाँ पे इसके स्पाउट से ये निकल रहे हैं स्टीम, और ये यहाँ पे हमने क्या रख दिया, आइस रख दिया, जिससे ये ठंडा होके ये स्टीम वाटर में चेंज हो रहा है। सो व्हेन द स्टीम कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द मेटल प्लेट कुक्ड विद आइस इट सॉरी कूल्ड विद आइस इट कंडेंसेस फॉर्म्स लिक्विड वाटर। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर डू यू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम? यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है स्टीम का। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इंटू लिक्विड्स फ्रॉम इट्स फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि अभी हमने पढ़ा था वाटर से स्टीम में या वेपर में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है, और जब जस्ट इसका उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है, तो वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टीम से या वेपर से क्या बन रहा है, वाटर स्टेट में गैशियस से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। हमने पढ़ा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ठीक है, सिंपल है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर द प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड? व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल? वी हैव द सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। हम बहुत से प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट और वाटर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, पहली फेज्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। शी हैज़ मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सॉल्ट एंड शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सॉल्ट दैट शी हैड टेकन। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग?
ठीक है, तो मतलब ये कहने का है कि आप कुछ भी मिक्सचर्स को आपस में मिक्स करें और फिर उनको अपने मेथड अप्लाई करके उसको देखें कि या सही बैठ रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि जो मेथड इसमें बुक में लिखा हो उसके अलावा भी कोई मेथड हो ईजी हो जिससे हम उसको सेपरेट कर सकें, तो ये अपने लिए है कि आप इसको करके देखें। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, क्या कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम वाटर में डालते रहेंगे और वो डिजॉल्व होता रहेगा? तो ऐसा नहीं है। पहले बता देते हैं कि एक अमाउंट होता है कि जैसे ग्लास ऑफ वाटर लिया इन्होंने तो उसमें एक लिमिट तक यहाँ पे शुगर डिजॉल्व होगी, फिर उसके बाद वो डिजॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम उसमें कुछ हमें करना पड़ेगा, हमें हीट देना पड़ेगा, तब जाके वो और डिजॉल्व होना शुरू हो पाएगा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी चीज़ है तो उसकी कुछ लिमिटेशन है। अब डिपेंड करेगा, यहाँ पे ग्लास की जगह हम अगर जग ले लेते हैं तो उसमें हमारी शुगर और ज़्यादा डिसॉल्व हो सकती है। तो जितना अमाउंट हमारा वाटर का है यानी कि सॉल्वेंट का है उसी हिसाब से उसका सॉल्यूट का रेशियो रहेगा। ठीक है, तो हम एक्टिविटी 8 को पढ़ते हैं जिसमें क्या बताना चाह रहे हैं। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, अमाउंट का ध्यान रखिए हाफ कप ले रहे हैं। एड 1 टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल अनटिल देन द सॉल्ट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली। अगेन एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टिर। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट्स रिमेन्स अनडिजॉल्व। मतलब ये कहने का इसमें हम सॉल्ट डालते जाएं तो एक टाइम आएगा कि सॉल्ट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इफ़ येस दिस मीन्स दैट द नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, हमने जितना वाटर लिया है उसके हिसाब से अब इसमें सॉल्ट और डिजॉल्व नहीं होगा। ये जो सॉल्यूशन बनता है इस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब अब इसमें जो भी अमाउंट सॉल्यूट का है उससे ज़्यादा और डिजॉल्व नहीं होगा, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, बस मेन इसमें यही पॉइंट समझाना था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 9 की तरफ देखते हैं ये हमें क्या एक्टिविटी बताने वाली है। टेक सम वाटर इन अ बीकर, आप इसको और डिटेल में पढ़िएगा और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ऐसा ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, टेक सम वाटर इन अ बीकर, मिक्स अ सॉल्ट इट अनटिल इट can't dissolve any more salt. This will give you saturated solution of salt in water. हमें क्या करना है, saturated solution बना लेना है। Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. कह रहे हैं कि जो amount उसमें dissolve हुआ जा रहा है यानी कि जितना हुआ जा रहा है उससे ज़्यादा amount डालते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हम वो saturated solution से ऊपर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद लेकिन हम क्या करेंगे, उसको गर्म कर लेंगे, हीट दे देंगे। What do you find? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating? कह रहे हैं कि अगर हम उसको हीट देते हैं और वो हमारा जो सॉल्ट हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ है वो भी डिजॉल्व होता है, हो जाता है, तो हम उसमें और सॉल्ट डालेंगे। लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल, फिर उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन को कूल कर लेंगे। इज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम, फिर हम देखेंगे कि सॉल्ट जो होता है धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा बीकर ठंडा होगा वैसे वैसे सॉल्ट जो होगा नीचे बैठता जाएगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट द लार्जर क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो ये बता रहे हैं कि अगर हम सॉल्यूट की क्वान्टिटी ज़्यादा ले रहे हैं, सॉल्ट की क्वान्टिटी ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो डिजॉल्व तो हो जाएगी हीटिंग की वजह से, लेकिन जैसे हम उसे ठंडा करेंगे वो वापस अपनी स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, डिस वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्वेबल सब्सटेंसेज, लेट अस फाइंड आउट। तो हमें और भी इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो करना है और एक्टिविटीज़ को करके देखना है कि क्या होता है। एक्टिविटी 10 की तरफ चलते हैं, पूरी साइंस आपकी एक्टिविटी बेस्ड और पूरे में एक्टिविटीज़ ही होती रहती हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पर बहुत अच्छे से फोकस करिए। टेक 2 ग्लासेज, यहाँ पर हम एक्टिविटी 10 की तरफ चलते हैं, हमें क्या लेना है, 2 ग्लासेज ऑफ वाटर ले लेना है। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, सब में दोनों में आधा आधा कप वाटर डाल देना है। एड अ टी स्पून ऑफ अ सॉल्ट टू 1 ग्लास, स्टिर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व, जब तक डालना है जब तक वो डिजॉल्व होता रहे। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टी स्पून एट ए टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट, जब तक डिजॉल्व होता रहे उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज कर देना है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून, यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने हमने टी स्पून लिए वो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो भी है वो हमें यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसी तरह से हमें ये शुगर का करना है, शुगर का भी यहाँ पे इसको नोट कर लेना है। वी हैव डिस्कस फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, सम ऑफ मेथड सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आल्सो यूज्ड इन द साइंस ऑफ लैब।
साइंस लैब, यू ऑल्सो लर्न डाटा। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको समझ में आएगा कि सॉल्ट, वही अमाउंट हम सॉल्ट का ले रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है, या शुगर में क्या डिफरेंस आ रहा है, कितने नंबर ऑफ स्पून का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने को बोला है इन्होंने एक्टिविटी। वी ऑल्सो लर्न द सोल्यूशन, और भी हम इसी तरीके के कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लिक्विड्स और सॉलिड्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कब सैचुरेटेड बन रहा है, कौन कब सैचुरेटेड नहीं बन रहा है, किसको कितना हीट करना पड़ रहा है तब वो डिजोल्व कर रहा है, इसको हो सकता है इसको कम हीट करना पड़े। तो ये डिफरेंसेस आपको देखना है और समझना है, एनालाइज करना है कि क्या सेपरेशंस कैसे होते हैं मिक्सचर के और उनमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया चर्निंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। चर्निंग क्या होता है, वही हम मिल्क से जब बटर को घी को अलग किया जाता है, मथा जाता है उसे, तो उसे चर्निंग कहते हैं। कंडेंसेशन भी हमें पता है, जब हमारी लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में चेंज हो जाती है, गैशियस स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। डिकेंटेशन वही है कि दो लेयर हैं और नीचे सेटल हो गई सैंड और ऊपर से हमने वाटर को धीरे धीरे अलग कर लिया, सैंड नीचे हो गई और वाटर अलग हो गया। इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर से वाटर लिक्विड स्टेट में होता है हीटिंग प्रोसेस के थ्रू वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, इसे इवेपोरेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन, स्ट्रेनर सबसे अच्छा एग्जांपल है, छन्ने के थ्रू हम किसी भी चीज़ को जब फिल्टर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, छन्ना ले लिया या फिल्टर पेपर ले लिया, क्लॉथ ले लिया, तो उससे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना हैंड पिकिंग कहलाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूट का अमाउंट होता है सॉल्वेंट के लिए जो उसमें डिसॉल्व हो जाता है विदाउट किसी हेल्प के, या हीटिंग या कोई भी प्रोसेस वहाँ पे हम यूज़ ना करें तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। जब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इजीली पढ़ा हम लोगों ने, सीविंग वही छानना होता है। और सॉल्यूशन आपको पता ही है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में डिसॉल्व होके जो बनाते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया, कोई भी हम वो ले लेते हैं ना, जैसे कि शुगर ले लिया हमने, शुगर में वाटर में ऐड कर लिया, वो जो बन के तैयार हुआ वो सॉल्यूशन तैयार हुआ। यहाँ पे हमने क्या लिया, सॉल्यूट लिया शुगर को और सॉल्वेंट हमने लिया वाटर को। थ्रेशिंग बहुत ही सिंपल है, थ्रेशिंग में क्या होता है, हम स्टॉक्स जो होते हैं हमारे उनको पटकते हैं ज़मीन पे, उससे ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, स्टॉक सेपरेट हो जाते हैं, इसको थ्रेशिंग कहते हैं। और देन विनोइंग क्या होता है, हम ऊपर खड़े जाते हैं, इसमें विनोइंग में विंड से रिलेटेड है, तो विंड का डायरेक्शन देखते हैं, उसमें हाथ ऊंचा करके खड़े होते हैं और हल्का जो हस्क वगैरह होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और जो मेन हमारा कंपोनेंट है वो अलग हो जाता है। ये पूरा यही इस प्रोसेस को बताया है बार बार, एक बार और देख लेते हैं। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेट फ्रॉम ग्रेन बाय हैंड पिकिंग। हस्क इज सेपरेट फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। डिफरेंस द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मिक्सचर यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये वही पूरे चैप्टर को बार बार रिपीट किया, डिकेंटेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, वेपरेशन, कंडेंसेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और वही उसको बार बार बता रहे हैं। ठीक है, अब बारी आती है क्विज की, और इसमें इस बार आप लोग हेल्प करेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं सिंपल बता दे रही हूँ, प्रोसेस आपको समझा दी, कॉन्सेप्ट दे दिया, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्विज पे चलते हैं। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम सेपरेट नहीं करेंगे तो उसको हम यूज़ कैसे कर पाएंगे। ठीक है, गिव टू एग्जांपल्स, कोई भी एग्जांपल ले लें, विनोइंग हम ले सकते हैं, या सॉरी सपोज सी वाटर है, उससे हमें नमक को अलग करना ज़रूरी है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारा वाटर है, वाटर हम पीते हैं और हमारा वो उसमें मड है या सॉयल, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसको सेपरेट करेंगे हम प्रोसेस के थ्रू, वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाएगा, अदरवाइज़ हम गंदा पानी नहीं पी सकते। ठीक है, हमारी हेल्थ इशूज़ हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ विनोइंग, वही पूछ रहे हैं, विनोइंग क्या होता है, उसमें विंड वाला आ जाएगा जिससे हम अलग करते हैं ना, हाथ ऊपर करके विंड के डायरेक्शन में, हस्क अलग हो जाता है और ग्रेन्स हमारे भारी जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ये गाँव में यूज़ किया जाता है, फार्मर यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, I will use husk or dirt particle from a given sample of pulses before cooking. हम क्यों अलग करते हैं भाई, अलग करना उसको impurity को अलग करना important है यहाँ पे।
और हम कैसे अलग करेंगे, हम हैंड पिकिंग का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, या उसको विनोइंग प्रोसेस का भी यूज़ कर लेते हैं। व्हाट इज़ सीविंग? आटे को छानना, सिंपल सीविंग यही होता है, छानने को कहते हैं। इसका यूज़ हम बहुत से उसमें छानना, जैसे कि आटे को छानते हैं या उसमें कोई भी इम्प्योरिटी होती है, और ये घरों में भी यूज़ होता है, और बड़ी बड़ी फार्मर भी इसे यूज़ करते हैं अपने गाँव में। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर? कैसे सेपरेट करेंगे? डिकेंटेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। पानी ऊपर अलग हो जाएगा, सैंड नीचे थोड़ी देर में सेटल हो जाएगी और हम उसको अलग कर लेंगे। इज़ इट और भी कोई भी मेथड अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, हम फिल्टर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो हम आंसर दे रहे हैं आपको वही आप लिखें, आप अपने हिसाब से आपको जो सही लगता है वो करिएगा। और कैसे करेंगे डिकेंटेशन प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद वीट फ्लोर? क्या शुगर को वीट फ्लोर से अलग किया जा सकता है? इफ़ यस, हाउ विल यू डू इट? बताइए, क्या हम शुगर को वीट फ्लोर से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। हम उसमें वाटर डालेंगे, वाटर क्या होगा हमारा शुगर में ऐड हो जाएगी, फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए रखा रहने देंगे, जो हमारा वीट होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जो जो सॉल्यूशन वाटर और शुगर का सॉल्यूशन होगा वो धीरे धीरे डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम अलग कर देंगे, ठीक है। हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर? डिकेंटेशन प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं या फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इस कॉल्ड, यहाँ पे क्या आना चाहिए, थ्रेशिंग आना चाहिए। व्हेन मिल्क एंड कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इट पोर्ड इनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ टू क्रीम मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए किसका एग्जाम्पल है ये? मिल्क को उससे अलग कर लेना, कैसे कर सकते हैं हम? कुछ भी मिल्क उसको पहले हम चर्निंग प्रोसेस के थ्रू, अच्छा बॉयल किया है इन्होंने, अच्छा अच्छा मलाई को अलग कर रहे हैं, मलाई को ऊपर अलग कर रहे हैं, फिल्टर तो नहीं कहेंगे, डिकेंटेशन प्रोसेस का यूज़ यहाँ पे बता सकते हैं कि डिकेंटेशन हो रहा है, ठीक है। सॉल्ट इज ऑब्टेंड, या आपको जो सही लगे आप वो यहाँ पे फिल करिएगा। सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, कैसे हमने ऑब्टेन किया था याद है? हमने पिट्स, शैलो पिट्स डाल दिए थे और फिर एवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू इसको अलग कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में ये क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं इम्प्योरिटी सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन द मडी वाटर वॉज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट, ओके। द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड, ये आंसर हम नहीं देंगे आपको, ये आंसर आपको ही देना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। और ये नहीं बता, एक तो मुझे छोड़ना है कि ये मैं बता ही दे रही हूँ, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है सही में, और ना डिकेंटेशन ना यूज़ करिए यहाँ पर, तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए, तो ये फिल्ट्रेशन हो जाएगा और ये आपको बताना है, ठीक है। ऐसा ना बताते बताते भी लगता है बता दो, बच्चे कहेंगे नहीं बताया, तो ये क्या है, ये हमारा आ जाएगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और ये हमारी आ जाएगी, बता दे रहे हैं एग्जैक्टली, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस आ जाएगी और डिकेंटेशन प्रोसेस आ जाएगी, इसमें सेटल हो जाएगा, हम इसको अलग कर लेंगे, लेकिन ये फ़िल्टर किया जाएगा, ठीक है। जनरली स्ट्रेनर का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसको फ़िल्टर ही ऑलमोस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो मिक्स है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, फॉल्स। उसके बाद सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, फॉल्स। ग्रेन हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेमनेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस, ओके। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक तरह से लेमनेट बना रहे हैं, और इसमें क्या डाले, लेमन जूस डाल रहे हैं और शुगर डाल रहे हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, तुम ठीक है, शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेट बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। बस सिंपल सी ये बात बता रहे हैं कि हम बनाने जा रहे हैं लेमनेट, तो उसमें जो शुगर और वाटर, हम शुगर और वाटर डालना है और साथ में लेमन जूस डालना है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा लेमनेट हो वो बहुत ही ठंडा ठंडा हो, कूल कूल हो, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये बताएं कि पहले हम आइस डाल दें तब ज़्यादा बेटर रहेगा, या बाद में आइस डाल दें, मतलब शुगर डालने से पहले हम अगर डाल देते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जब शुगर पहले डाल, शुगर अगर हम ठंडे पानी में ना डालें तो बेहतर बेटर रहेगा,
यहाँ पे आइस बाद में डालें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डिज़ोल्व करने में शुगर को प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो बहुत देर में डिज़ोल्व होगी। ठीक है, तो पहले हम शुगर डाल के लेमन जूस डाल लें, बाद में सबसे बाद में आइस डालें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपका आइडिया है कि हम बाद में नहीं पहले डालेंगे, तो आप अपना यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, शुड यू ऐड आइस टू लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर, किस केस में हमें शुगर ज़्यादा डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग, आपको जो सही लगे उसके अकॉर्डिंग इसको लिखना है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें ये नहीं है कि इसका आंसर एग्जैक्टली यही होना है, आपने इसको जिस तरह समझा, जिस तरह आप इसको करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से उसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली कोई भी आंसर नहीं होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग था, हमने हर मेथड को समझा, किसको किया। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो पूछिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। ठीक है, ओके, फिर मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।